नमस्कार। आज की कहानी है बच्चे ने दी माँ बाप को एक सीख। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते चलते समय लड़खड़ाता था, लाठी की जरूरत पड़ने लगी, चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसा ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा ऑफिस से आया था, भूख ज्यादा थी सो जल्दी से खाने बैठ गया, और साथ में बहू और उसका एक बेटा भी खाने लगे। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुई, थाली हाथ से छिटक गई, थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई। बहू बेटे ने घृणा दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता, कभी जमीन पर। कुछ चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हो। करता है कि इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी ऐसे ही सिर हिलाया, जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। उनका बेटा यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाने खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्यों देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूं कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह से कोने में खाना खिलाऊंगा। बच्चे के मुख से ऐसा सुनते ही बेटी और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चा ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों लोगों को दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पे खाने के लिए बैठाया, और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी हैं। आप समाज में कितने भी इज्जत कमा ले या कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई भी नहीं है। धन्यवाद।